प्रदेश के शाजापुर से समय की बड़ी खबर, जिससे शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। दरअसल कल देर शाम को अक्षत कलश यात्रा जब हो रही थी, इस दौरान जमकर मध्य प्रदेश में बवाल हो गया। बवाल जिस तरह से हुआ, उसके बाद में पुलिस मौके पर पहुंची, पुलिस ने एक्शन लिया। पुलिस ने मामले में अभी तक 24 नामजद लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है, जिनमें 7 लोगों को पुलिस अब तक गिरफ्तार कर चुकी है। इसके अलावा तनाव को देखते हुए पुलिस ने वहां के 3 इलाकों में धारा 144 लागू कर दी है। दरअसल सोमवार देर शाम राम मंदिर के लिए अक्षत बांटने के लिए जो हिंदूवादी संगठन निकले, उन पर अक्षत कलश यात्रा पर कुछ असामाजिक तत्वों ने पथराव कर दिया। उसकी तस्वीर भी हम आपको दिखा रखे हैं, और उस पथराव के बाद में कैसे वहां पर माहौल तनावपूर्ण हो गया, चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। उपद्रवियों ने गाड़ियों में तोड़फोड़ कर दी, जिसके बाद पुलिस ने मामले को लेकर वहां पर एक्शन लिया और धारा 144 लागू की। देखिए, जो ट्रक खड़े हुए हैं उनमें तोड़फोड़ की गई, उनके आपको शीशे टूटे हुए दिख रहे हैं। वहां पर जो गाड़ियां खड़ी थी उन्हें नुकसान पहुंचाया असामाजिक तत्वों ने। मध्य प्रदेश की शाजापुर की तस्वीर है। अब ये 5 तस्वीरों को देखिए, कैसे छत पर से जब ये वीडियो कवर किया गया, तो उसमें आपको तस्वीर बेहतर तरीके से आप समझ आएगी कैसे यहाँ पर जब अक्षत कलश यात्रा निकाली जा रही थी, तो कुछ लोगों को कैसे ये बात नागवार गुजरी, कुछ के चेहरे पर नकाब है, और वहां पर फिर अक्षत कलश पर और वहां पर जो संगठन थे उन पर असामाजिक तत्वों ने पथराव कर